पढ़ाई के साथ साथ में हैंडराइटिंग भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। हैंडराइटिंग कैसे बनेगी इसको लेकर बच्चों को 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रही है। दिल्ली से आए अजय कुमार रांची जिला के सर्वोदय स्कूल राहे में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच सिखा रहे हैं। मिनटों में हैंडराइटिंग परिवर्तन भी हो रही है। हैंडराइटिंग बनाना सीख रहे विद्यार्थियों से ही जानिए कितनों दिनों में परिवर्तन आया। मेरा नाम बंटी चटर्जी है और मैं राहे से बिलोंग करता हूँ और मैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरा घर यहाँ पास में ही है। तो जब सर हमको बताएं, तिवारी सर, कि राइटिंग के वर्कशॉप के लिए एक टीचर दिल्ली से मंगाए जा रहे हैं जिनका नाम अजय सिंह है, तो सर बताएं कि इससे राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी और इससे तुम एग्ज़ाम में लिखते हो, तुम्हारी राइटिंग ख़राब है तो वो राइटिंग भी तुम्हारी सुधरेगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर सर का शायद 3 दिन पहले आने का था, तो सर उस दिन आ नहीं पाए। हम लोग सभी बच्चे स्कूल आए थे, सर आ नहीं पाए क्योंकि सर का फ्लाइट मिस हो गया था। तभी सुनील सर और तिवारी सर दोनों आए थे, सर बोले कि सर का फ्लाइट मिस हो गया है तो इसलिए सर आ नहीं पाए। तो फिर हम लोग उस दिन रुके, फिर सर बोले कि शाम को आना, शाम को सर आएंगे। तो हॉस्टल में मैं बाय द वे हॉस्टल में रहता नहीं हूँ, तो सर मेरे को हॉस्टल में बुलाएं। तो फिर मैं शाम को आया, शाम को फिर सर आए, सर से मुलाकात हुई, कुछ बातें हुई अच्छी, हंस के, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है राइटिंग के, राइटिंग क्यों होना चाहिए। और फिर सर ने कुछ स्टूडेंट को दिखाया, जैसे 12th क्लास के 10th क्लास के कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम पास में था और उनको राइटिंग बहुत ही ख़राब थी और राइटिंग उन्हें सुधारनी थी। तो फिर उनकी राइटिंग उन्होंने सर ने दिखाई, तो उनकी राइटिंग बहुत ही, मतलब क्या बोले, थोड़ी सी ख़राब थी, अच्छी नहीं थी, मेरी राइटिंग जैसी ही। इनफैक्ट मेरी राइटिंग तो उनकी राइटिंग पहले वाले राइटिंग देख के अच्छे लगने लगी, पर सर ने जब पलट के दिखाया कि इनकी राइटिंग 1 दिन में चेंज हुई, इनकी राइटिंग 2 दिन में चेंज हुई, तो वो चीज़ 2 दिन में 1 दिन में चेंज हुई, तो मैं सोचा कैसे जो चीज़ मेरे साथ आज 10 साल से 11 साल से चेंज नहीं हो रही, वो चीज़ कैसे उनकी उतनी जल्दी चेंज हो सकती है। तो सर बताएं, सर बोले ज्ञान सर को, जो कि हमारे प्रिंसिपल हैं, कि सर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कल तक ये बच्चों की 9 बजे तक राइटिंग चेंज होगी। मैं भी शॉक हो गया। सर बोले कि फिर वो चीज़, वो बातें डिस्कशन हुई, हमारे 9 बज चुके थे, तो 9 बजे के बाद डिनर उनर हो गया, उसके बाद सर 9:30 से स्टार्ट किए, 9:30 से लेकर 12 बजे तक सर ने कुछ ये पैटर्न बताए। हमें ABCD लिखना नहीं सिखाए थे शुरू से और अभी तक नहीं सीखे हैं, और कुछ पैटर्न बताए, वो पैटर्न को ड्रॉ करते गए, उसमें हाथ बैठा हमारे, अच्छा से हाथ की मूवमेंट बने। फिर उस पैटर्न से सर एक मतलब वर्ड दिए थे, लेट मी डू माय वर्क समथिंग, कुछ था ऐसे, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, तो वो देखने गए। तो जब मैंने वो लिखा उस पैटर्न को बनाने के बाद, मेरे हाथ में एक टाइप का बन गया था कि अंदाज आ गया था कि किस प्रकार से मेरे को बनाना है और किस प्रकार से लिखना है मेरे को। तो पैटर्न मैंने जब लिखा तो मेरे पुरानी कॉपी, सर बोले पुरानी कॉपी निकाल के दिखा और वो पैटर्न दिखा, तो उस पैटर्न में काफ़ी सारा अंतर था, मैं शॉक्ड हो गया कि कैसे। तो फिर रात में मेरे को फिर और इंटरेस्ट जागा, फिर मैं धीरे धीरे सर जैसे बताया मैं लिखता गया। और फर्स्ट दिन जब सर स्टार्ट किए थे, जब आए थे, तब हम लोग को सबको बच्चे को एक शीट दिए थे, करीब जितने हॉस्टल में हम लोग थे 7-8 बच्चे, सबको शीट दिए थे और उसमें सबके माइसेल्फ लिखे। तो सेकेंड डे जब हम लोग उसके बाद जो लिखे माइसेल्फ, तो कुछ ऐसा था, मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट डे जब मैं माइसेल्फ यहाँ पर लिखा था, तो सर यहाँ पर लिखे, सर कुछ बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे लिखे हो, बहुत अच्छा है। फिर हमको खुद मेरे राइटिंग पे हंसी लगती थी और यहाँ तक कि गार्जियन टीचर सभी हमको बोलते थे कि राइटिंग तुम्हारी अच्छी नहीं होती। तो फर्स्ट डे मेरी राइटिंग ऐसे होती थी, मैं कुछ यहाँ माइसेल्फ लिखा था, और फिर जब सेकेंड डे हुई तो सेकेंड डे मैं अपने माइसेल्फ यहाँ पर लिखा था, आप डेट भी देख सकते हैं, हम यहाँ पर डेट भी लिखे हैं। फिर ये तो मैं माइसेल्फ लिखा था, पहले मैंने माइसेल्फ लिखा था, फिर रात को इस टाइप के कुछ पैटर्न सर बनाने बताए थे। इससे स्ट्रक्चर से होता क्या है कि हम अगर कर्सिव राइटिंग लिखते हैं तो उसमें हम लोग को कितने डिस्टेंस में क्या है, कैसी है, हमारी ब्रेन की मैंटेलिटी ऐसी हो जाती है। उसके बाद कुछ ये कर बनाने बोले थे और फिर मैंने फिर माइसेल्फ लिखा, फिर मेरे माइसेल्फ में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई। और देन आज थर्ड डे में मैंने आज रात को, मतलब रात को प्रैक्टिस की थी और सुबह को लिखी थी, ये रात को लिखे थे, ये सुबह को लिखे थे, इसमें इतने चेंजेस आ चुके हैं। और फिर ये, हाँ ये भी मैंने आज कल रात को लिखे थे, इसमें भी ऐसे और ये अलग, और फिर यहाँ पर भी मैंने लिखा है, ये सेकंड डे की है
सेकेंड डे की, सेकेंड डे में मेरे को इंटरेस्ट बहुत जग गया था कि मेरे को बहुत अच्छा करना है, बहुत सबसे बेटर मेरे को अपनी राइटिंग बनानी है। मैं किसी का नहीं दिखता था, मेरे को खुद की राइटिंग बनानी है, चाहे कितनी स्लोली को कितने फास्ट लिखो, मेरे को राइटिंग बनानी है तो बनानी है, मैं वो ठान चुका था। फिर मैं ये राइटिंग लिखा, फिर ये सब लिखा, फिर राइटिंग मेरी इंप्रूव हुई और मेरे को लग रहा है कि मेरी राइटिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है।